आज 8 नवंबर को स्मरण करेंगे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्म दिवस पर। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी का जाना माना एवं चर्चित चेहरा रहा है। आडवाणी जी का जन्म अविभाजित भारत के कराची के सिंधी परिवार में 8 नवंबर 1927 में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण चंद आडवाणी जी एक व्यापारी थे और उनकी माता जी का नाम श्रीमती ज्ञानी देवी था। विभाजन के पश्चात यह परिवार कराची से मुंबई आकर बस गया। उनकी स्कूली शिक्षा कराची व स्नातक की पढ़ाई हैदराबाद के केडीजी कॉलेज से पूरी हुई। बाद में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी वकालत की पढ़ाई की। सन 1965 में आडवाणी जी का विवाह कमला देवी से हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में की। वे सबसे पहले कराची में ही संघ के प्रचारक हुए। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1955 में आडवाणी जी भी जनसंघ से जुड़ गए। उन्होंने दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1967 में वे दिल्ली के महानगरीय परिषद चुनाव लड़े और परिषद के नेता बने। आडवाणी जी 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1972 में वे जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1975 में इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के दौरान आपातकाल देश पर थोप दिया गया। इस दौरान श्री आडवाणी जेल गए। 1976 से 1982 तक गुजरात से राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 में एक नए राजनीतिक संगठन जनता पार्टी का निर्माण किया। इंदिरा गांधी का आपातकाल शासन कई राजनीतिक पार्टियों को रास नहीं आया, जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई और जनता पार्टी के हाथ सत्ता आ गई और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री तथा लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। फिर जनता पार्टी में एक नया मोड़ आया और कई दिग्गज एवं अनुभवी नेताओं ने जनता पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी का निर्माण किया। इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आडवाणी जी ने आक्रामक हिंदुत्व नीति अपनाकर बीजेपी को नई दिशा दी और बीजेपी धीरे धीरे लोगों के बीच जगह बनाने में कामयाब हुई। सन 1989 के चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 89 सीटों पर कब्जा किया और नेशनल फ्रंट को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दिया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आरंभ किए गए राम मंदिर आंदोलन को भी बीजेपी ने समर्थन दिया। राम मंदिर के समर्थन में आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई और इसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी के नेतृत्व में हुई इस यात्रा से बीजेपी और सशक्त हुई। 1996 के चुनाव के बाद पहले 13 दिन के लिए और फिर 1998 में पुनः चुनाव होने पर वाजपेयी जी एक बार फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1999 में पुनः चुनाव जीतने के बाद वाजपेयी जी ने अगले 5 वर्ष तक सरकार चलाई और उनके साथ आडवाणी जी भी गृह मंत्री रहे। इस अवधि में भी आडवाणी जी के पद में उन्नति हुई और वे भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। आडवाणी जी जून 2005 में कराची के दौरे पर गए, जो कि उनका जन्म स्थान है। वहां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया, जिस कारण दिसंबर 2005 में आडवाणी जी की पार्टी के अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। हालांकि दिसंबर 2007 में अगले चुनाव के लिए बीजेपी ने फिर श्री लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार घोषित किया, लेकिन 2009 में ही एक बार फिर कांग्रेस सरकार केंद्र में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके पश्चात आडवाणी जी ने 15वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बनाया। श्री लालकृष्ण आडवाणी चाहे अब सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं दिखते,
लेकिन बीजेपी को आज सत्ता में लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य व दीर्घायु प्रदान करे। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।